शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूनिट 4 द्वारा क्रैकडाउन ऑपरेशन के तहत कुख्यात आरोपी को पिस्तौल के साथ धर दबोचा है। आरोपी पर पहले से ही 57 गुना दर्ज है, ऐसी जानकारी अशोक मेश्राम द्वारा दी गई। शहर में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत क्रिमिनल सर्चिंग किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर यूनिट 4 द्वारा आरोपी भरत उर्फ बंटी उर्फ रामदास ठौरे, जो कि कुख्यात आरोपी है, इस पर पहले से ही हत्या डकैती जैसे कई मामले दर्ज है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। यूनिट 4 को जानकारी मिली थी कि आरोपी भरत उर्फ बंटी ठौरे पार्टी परिसर में देखा गया। इसी जानकारी के आधार पर यूनिट 4 की टीम ने आरोपी को पार्टी से धर दबोचा। पुलिस ने छानबीन करने पर आरोपी के पास से 2 पिस्तौल बरामद हुई है। इस वक्त नागपुर शहर में माननीय सीपी सर के ऑर्डर से क्रैकडाउन ऑपरेशन 2 ये शुरू है, और इस दौरान पूरे शहर में और हमारे स्पेशली हम यूनिट 4 के अंदर में हम जो क्रिमिनल सर्चिंग ये कर रहे हैं वो बहुत इफेक्चुअली कर रहे हैं। उसमें एक वांटेड आरोपी है भरत उर्फ बंटी उर्फ रामदास ठौरे, यह आरोपी का नाम है। इसके ऊपर 57 ऑफेंसेस रजिस्टर है, 57 गुने दाखिल है, जिसमें मर्डर के भी गुने, 307 के भी गुने हैं, और रॉबरी के गुने ज़्यादा है, और एक्सटॉर्शन के गुने हैं। तो ये आरोपी जो है, हमको पता चला कि ये सकरदरा का जो पुलिस CR नंबर 279 है / 20 है, लेटेस्ट गुना है, 2 महीने से उसमें वो 385, 387, 34 और रेड हुई 325 में फरार है। तो उसके हिसाब से हमने उसका सर्च किया, हमने हमारे इन्फॉर्मर ये किए और कुछ टेक्निकली भी अप्लाई किया। तो उसमें हमको आज इन्फॉर्मर ने हमारे मालूम दे दिया कि ये जो गुनहगार है तो ये पारडी एरिया में घूम रहा है, और वैसी मालूम मिलने के बाद में उसको हमने कन्फर्मेशन किया। हमारे टीम के ASI इंगड़े और कांस्टेबल नितिन, इनको साथ में लेके मैंने वहाँ पर ट्रैप किया और उसको एक वहाँ पर पकड़ा। उसके साथ में उसके जब मैंने झड़ती लिया तो झड़ती में मेरे को 2 पिस्टल उसके पास में मिली, और उसका मोबाइल हमने सीज किया। उसके साथ में उसके जो राउंड है, राउंड के बारे में उसको पूछताछ किया, तो राउंड के बारे में उसने अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन उसने राउंड कहीं भी छुपा के रखे है, तो उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और ये जो उसने पिस्टल लाया है, ये पिस्टल बता रहा है कि पटेल नाम का युवक है कोई कलमना का, तो वहाँ से उसने पिस्टल लिया है ऐसा उसने बताया है। तो उसके बारे में हम अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये पटेल कौन है, उसको भी लाके, और उसके पास कोई वेपन है क्या, उसने कहाँ से वेपन लाया है, इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस मामले की आगे की जाँच यूनिट 4 की टीम कर रही है। इन दिनों शहर में गुनाहों का सत्र थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नागपुर पुलिस द्वारा गुनाहगारों पर और गुनाह की वारदातों पर किस तरह से नकेल कसी जाती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।